देखें ग्रामीण न्यूज YouTube पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रयागराज कुंभ मेले में संतों के हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। अक्सर शादियों में हर्ष फायरिंग के मामले सामने आते रहते हैं, जिसमें कई लोगों की मौत तक हो जाती है। अब एक बार फिर से यह हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हर्ष फायरिंग का ये मामला किसी शादी का नहीं बल्कि प्रयागराज कुंभ मेले का है। जी हाँ, प्रयागराज कुंभ मेले में संतों के हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। ये पूरा मामला आनंद अखाड़े की पेशवाई का है। पेशवाई के जरिए अखाड़ों का कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश होता है, जिसमें अखाड़े की धर्म ध्वजा के साथ ही अखाड़े के ईष्ट देव की पालकी निकलती है। इस शाही जुलूस में हाथी, घोड़े, ऊंट और रथों पर अखाड़े के संत, महंत और महामंडलेश्वर भी निकलते हैं। अखाड़ों की पेशवाई के समय नागा सन्यासियों के अस्त्र और शस्त्र के प्रदर्शन की भी परंपरा है, लेकिन आनंद अखाड़े में पेशवाई के शुरू होने के मौके पर संतों के हर्ष फायरिंग का मामला भी सामने आया। पेशवाई में संतों ने अपने असलहे से फायरिंग कर पेशवाई शुरू होने की घोषणा की। पेशवाई शुरू होने से पहले संतों की खुशी देखने लायक थी। अपनी मस्ती में मस्त संतों ने फायरिंग कर अपनी खुशी का इजहार किया और जय घोष कर खुशी मनाई। संतों की ये फायरिंग लोगों के बीच अब चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन इस हर्ष फायरिंग को लेकर पुलिस और प्रशासन के लोग चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या धर्म कानून से भी बड़ा है, जो अभी तक इन संतों के खिलाफ कोई FIR नहीं हुई है। देखिए ग्रामीण न्यूज़ YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।